अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये अनायता तो हमारी फैमिली मेंबर है, मैं इस पे कैसे शक कर सकता हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अनान्या कहाँ है? वो गुम गई। अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। हाँ जी मम्मा, और उस दिन छत पर भी यही हुआ था। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बेटा आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाता हूँ और अनाहिता से बात करता हूँ। ये अनायता तो हमारी फैमिली मेंबर है, इतनी प्यारी बच्ची है यार, मैं इस पे कैसे शक कर सकता हूँ। जरूर बच्चों को कोई वहम हुआ होगा। क्या हुआ रमनीक, आपने की अनायता से बात? अरे मैं क्या बात करूँ उससे पुनीत, वो हमारे घर की बच्ची है, जरूर कुछ और है। तुम बच्चों को कहीं कोई वहम तो नहीं हुआ? नहीं पापा, हम सच कह रहे हैं। पर पापा कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। ऐसा करो अब तुम लोग जाओ, नेक्स्ट टाइम तुम लोग जब भी अनायता के साथ खेलोगे मैं उसको छुप कर देखूंगा, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं उसी टाइम उससे बात करूंगा। ठीक है पापा। रमनीक क्या बात है? अरे पुनीत तुम खुद सोचो, अनायता हमारे घर की बच्ची है, मैं उस पे कैसे शक कर सकता हूँ। हाँ मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है, मुझे भी सुनकर अच्छा नहीं लग रहा उसके खिलाफ ये सारी गलत बातें। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ गलत नहीं होगा। अरे तुम लोग कहाँ थे, चलो कुछ खेलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं गेम लाती हूँ। Later. उस रूम में ना बच्चे अनायता के साथ खेल रहे हैं, अब जाकर एक बार ही देख कर आओ ना। ठीक है मैं जाता हूँ देखने। क्या हुआ रमीक? अरे कुछ नहीं बाबा, बच्चे और अनायता तो इतने आराम से मजे कर रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर बच्चों के मन में अनायता के लिए डर क्यों बनता जा रहा है? रमनीक हमें ये डर नहीं बनने देना, नहीं तो बच्चों और अनायता का रिश्ता बहुत कमजोर हो जाएगा। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम आज ही बच्चों से बात करते हैं। ठीक है। अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, मैंने अभी छुप कर देखा था जब तुम अनायता दीदी के साथ खेल रहे थे, वो तो तुमसे बहुत अच्छे से खेल रही थी। पर पापा अनायता दीदी कभी कभी अंजलि दीदी बन जाती हैं। बेटा अंजलि दीदी इस घर से जा चुकी है, आप भी इसे भूल जाओ। पर मम्मा। पर वर कुछ नहीं बेटा, अंजलि दीदी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, ये चैप्टर क्लोज।
5:28 AM निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? मैं अंजलि। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। क्या हुआ रमनीक? अंजलि और अंजलि वापस आ गई है। रमनीक, ये पुनीत, तुम क्या बोले जा रही हो? रमनीक, मैंने उसको सपने में देखा है। क्या, अंजलि को देखा है? हाँ, मैंने उसको सपने में देखा, उसको देखा, उसकी आवाज सुनी। पुनीत, सपना है और सपने सच नहीं होते। नहीं रमनीक, सपने सच होते हैं। वो आ गई है, वो वापस आ गई है। अरे अंजलि जा चुकी है। अरे ये तुमने अपने माथे पे क्या लगाया हुआ है? क्या लगाया है मैंने माथे पे? अरे तुम ये सब क्या करती रहती हो पुनीत, मुझे तो तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता। जाओ जाके अपना मुंह धोकर आओ। ये तो काला टीका है, मैंने ये नहीं लगाया रमनी। The next morning. मामा, मेरे को मेरे प्रोजेक्ट के लिए कलर्स चाहिए। ठीक है बेटा। आप मेरे साथ चलोगे क्या? बेटा, मुझे ना शनाया को पढ़ाना है, कल उसका एग्जाम है। रमनीक, आप ले जाओ ना नान्या को। अरे पुनीत, मेरी आज बहुत जरूरी ऑफिस की मीटिंग है, मैं नहीं जा सकता। ओहो। अरे भैया भाभी, मेरे होते हुए आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं ले जाऊंगी अनान्या को। ये ठीक रहेगा अनायता। अनान्या, आप दीदी के साथ जाओ, और अनायता सीधा स्टेशनरी शॉप जाना और वहीं से वापस आना, नहीं तो ये कि तुम्हारे को टॉय शॉप में ले जाएगी। डोंट वरी भाभी, हम सीधा स्टेशनरी शॉप जाएंगे, फिर वहाँ से सीधा घर। नहीं नहीं मम्मा, आप भी चलो ना हमारे साथ। बेटा दीदी जा तो रही है। चलो ठीक है। Later. अनान्या, चलो चलते हैं। आ रही हूँ। दीदी, आप कौन हो? अरे मैं अनायता हूँ, क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। Soon after.
भाभी भाभी क्या हो गया अनाइता? वो क्या हो गया बेटा? और अनाइता अनान्या कहाँ है? वो गुम गई। गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए गाइस हमारे चैनल RS1313 व्लॉग्स पे न्यू वीडियो लाइव हो चुका है टाइप ऑफ गेस्ट। गाइस बहुत मजा आने वाला है, हमारे घर आए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गेस्ट। गो एंड क्लिक नाउ।